दोस्तों, अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं या फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं लंबे दिनों के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे गैजेट जो कि आपकी कैंपिंग ट्रिप के मजे को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 3, केचुआ कैंप बेड एयर। कैंपिंग के दौरान आप अपने टेंट में काफी सारा सामान साथ में ले जाते हैं, जिसमें कि एक ऐसा छोटा सा एयर बेड भी होता है जिसे कि आप सोने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी कैंपिंग साइट पर। लेकिन नॉर्मली जो बेड्स आते हैं वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि उसमें आपको एक नॉर्मल मैट्रेस ही दे रखी होती है जिसे कि आपको जमीन पर बिछाना होता है। लेकिन ये एक तरीके का ऐसा एयर बेड होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी कैंपिंग साइट पर कंफर्टेबली आराम करने के लिए। इस तरीके की बेड की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक बेस दे रखा होता है जिसे कि आप इन्फ्लेट कर सकते हैं इसके साथ दिए गए एक पंप की। इन्फ्लेट करने के बाद आप इसके ऊपर की तरफ मैट्रेस बिछाते हैं जिससे कि आपको बेड की एक अच्छी खासी हाइट भी मिल जाती है जिसपे आप मैट्रेस बिछाकर आराम कर सकेंगे। इस बेड की खास बात ये होती है कि आप इसी तरीके के बेड्स को आपस में और भी कनेक्ट करके एक डबल बेड भी बना सकते हैं जिसपे कि आप और भी आराम से कई लोगों के साथ सो सकेंगे। इस बेड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैंपिंग साइट पर, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 9, बायोलाइट एल्पिन ग्रो यूएसबी लैंटर्न्स। कैंपिंग के दौरान आप अपने साथ एक ऐसी छोटी सी लैंप जरूर से कैरी करना चाहेंगे जिसे कि जहां चाहे आप अपने साथ ले जा सकें और एक लंबा बैकअप आपको वो दे। तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की छोटी सी लैंप को जो कि आपको एक लंबे बैकअप के साथ काफी सारे अमेजिंग फीचर्स भी देती है। इस लैंप की खास बात ये होती है कि इसे आप अलग अलग साइजेस में ले सकते हैं जिसमें कि आपको लाइट इंटेंसिटी भी अलग अलग मिल जाएगी। इस लैंप में एलईडीज का सेटअप 2 पार्टीशन में रहता है जिसे कि आप अलग अलग अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आरजीबी एलईडीज का इस्तेमाल होने से इसे आप अलग अलग कलर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि देखने में वाकई काफी अच्छी लगती है। इस तरीके की लाइट एक तरीके की रिचार्जेबल लाइट होती है जिसे कि आप टाइप सी से इजीली चार्ज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन जैसी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। यानी कि ये डिवाइस ना सिर्फ आपके लिए एक लाइट की तरह काम करेगी बल्कि अगर आप चाहें तो इसे पावर बैंक के तौर पर भी अपने साथ लेकर कैंपिंग के दौरान कैरी कर सकते हैं। इस तरीके का गैजेट डेकोरेशन के लिए भी काफी बेहतर रहेगा जो कि मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये लैंप कैसी लगी। नंबर 8, मॉडल यूटिलिटी बॉटल। अगर आप कैंपिंग के अलावा भी अगर अपने घर के आसपास कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल जरूर से कैरी करते होंगे। लेकिन पानी खत्म होने के बाद बॉटल को साथ में लेकर कैरी करना अपने आप में काफी इरिटेटिंग होता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी वाटर बॉटल दिखाने वाला हूं जिसे कि आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट में आसानी से रख सकेंगे। ये सिलिकॉन की बनी एक ऐसी वाटर बॉटल होती है जिसे कि आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और यही नहीं, इसे आप फोल्ड करके एक छोटे से बाउल का रूप भी दे सकते हैं जिससे कि ये ना सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि साथ में कैरी करना भी इसे आसान रहेगा। इस वाटर बॉटल में आपको काफी सारे अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से वाटर प्यूरिफायर के तौर पर भी कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप नेचुरल शॉवर लेना चाहते हैं अपनी कैंपिंग के दौरान तो इस वाटर बॉटल में आपको उसका भी अटैचमेंट मिल जाता है जिससे कि आप ये काम भी कर सकते हैं। तो अलग अलग कामों के लिए वाटर बॉटल को तैयार किया गया है जिसे कि साथ में लेकर कैरी करना तो आसान होता ही है, साथ ही आपको मल्टी यूटिलिटी फंक्शंस भी देती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वाटर बॉटल को पहली बार देखा है तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, गीगा पंप। अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूँ जो कि कैंपिंग के दौरान बेहद यूजफुल रहता है। दरअसल साइज में देखा जाए तो ये एक तरीके का छोटा सा इन्फ्लेटर होता है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में डालकर भी कहीं भी ले जा सकते हैं। जो भी इन्फ्लेट करने वाली चीजें होती हैं जैसे कि एयर बेड वगैरह, आप उन्हें आसानी से इन्फ्लेट कर सकते हैं इस तरीके की छोटे से पंप की मदद से। वहीं ये आपके लिए एक छोटी सी टॉर्च की तरह भी काम करता है जिसमें कि आपको मल्टीपल ब्राइटनेस लेवल भी देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी सी टॉर्च एक मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ भी आती है जिसे कि आप जहां भी चाहें इसे इजीली कर पाएंगे। वहीं अगर आप आग वगैरह जला रहे हैं कैंपिंग के दौरान तो ये आपके लिए एक एयर ब्लोवर की तौर पर भी काम करेगा जिससे कि आग जलाने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो एक तरीके का 3-in-1 गैजेट होता है जहां पर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसे कि आप कैंपिंग के दौरान यूज कर सकेंगे। नंबर 6, शेल्टर। कैंपिंग पर जाने से पहले आप अपने साथ जरूर से रखना चाहेंगे एक ऐसा पोर्टेबल कैंपिंग सेटअप जिसे कि आप चुटकियों में इंस्टॉल कर सकें। ये एक तरीके का ऐसा ही कैंपिंग सेटअप होता है जो कि आपकी कार में भी इजीली आ जाएगा। नॉर्मल अगर आप किसी भी तरीके के कैंपिंग सेटअप को लेते हैं तो उसमें आपको पाइप्स अलग मिलते हैं और साथ ही आपको एक ऊपर से अलग से चादर मिलती है जिसे कि आपको अलग अलग सेटअप करना होता है। लेकिन इस सेटअप की खास बात ये होती है कि ये पूरा आपको एक ही मॉड्यूल में देखने को मिल जाता है जिसे कि बहुत ही आसानी के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ओपन कैंपिंग सेटअप होता है जिसमें कि ना तो आप का व्यू ब्लॉक होता है बल्कि आपको ताजी ताजी हवा भी मिलती रहेगी। यानी कि इस ओपन कैंपिंग सेटअप में बैठकर नाश्ता करने का मजा ही कुछ और रहेगा। तो देखने में तो ये काफी मजेदार लगता है। कमेंट करके आप भी बताएगा कि आपको ये कैसा लगा। नंबर 5, ग्रैबर मल्टी टूल।
कैंपिंग के दौरान मल्टी टूल्स गैजेट काफी ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ साइज में छोटे होते हैं बल्कि छोटे छोटे आपको काफी सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिनकी जरूरत आपको किसी भी कैंपिंग साइट पर पड़ ही सकती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा ही छोटा सा टूल दिखाने वाला हूं जिसमें कि छोटे छोटे आपको काफी सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक प्लेन एज ब्लेड देखने को मिलता है जिससे कि आप कटिंग वगैरह का काम इजीली कर सकते हैं। साथ ही एक पुलर और एक कार्बाइनर क्लिप भी देखने को मिल जाती है जिसमें कि आप किसी भी चीज को फंसा सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल आप चीजों को खींचने के लिए भी कर सकते हैं। वहीं इसमें आपको एक अलग साइज की सीजर भी दे रखी होती है और साथ ही एक आपको आउल और सॉ भी मिल जाती है जो कि आपकी कैंपिंग ट्रिप में काफी ज्यादा वैल्यूबल होने वाली है, क्योंकि इस तरीके के अगर आप बड़े बड़े अलग अलग टूल्स को साथ में ले जाएंगे तो काफी बैग भारी हो जाएगा। लेकिन इस छोटे से टूल में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है जो कि मुझे भी बेहद इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आप इस छोटे से मल्टी टूल गैजेट को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 4, सोलर ऑफ ग्रिड केबिन सोलर ट्रेलर। अब मैं आपको कैंपिंग का एक ऐसा एडवांस गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि लार्ज स्केल में कैंपिंग करने के लिए बनाया गया है। अगर आप उनमें से एक हैं जो कि आए दिन घर से बाहर रहना पसंद करते हैं तो ये सिस्टम आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक तरीके का ट्रेलर होता है जिसे कि आप अपनी कार या फिर SUV ट्रक में फंसा कर कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों जब आप इसे सेटअप करते हैं तो ये आपको एक छोटा सा रूम अवेलेबल करा देता है जिसमें कि आप खाना बनाने से लेकर काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके ऊपरी हिस्से में सोलर पैनल्स लगे होते हैं जिससे कि लगातार आपको पावर भी मिलती रहेगी, जिससे कि आप अगर इसके अंदर आराम करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो आपका काम आसानी से होता रहेगा। इस ट्रेलर की खास बात यह है कि इसके अंदर प्रॉपर स्पेस मिल जाता है जिसमें कि एक ही साथ कई लोग बैठकर आराम भी कर सकते हैं। वहीं इसे एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना आसान होता है और आप बहुत ही सिंपल से स्टेप में इसे ओपन कर पाएंगे और जरूरत ना होने पर फिर से क्लोज करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो एक तरीके के पोर्टेबल टेंट की तरह भी ये काम करेगा जिससे कि आप जहां चाहें वहां पर ही अपना बसेरा बना सकते हैं। नंबर 3, राइनो GPS नेविगेटर। अगर आप एक ऐसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हैं जहां पर ज्यादातर मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं रहते हैं तो वहां पर आप इस तरीके की GPS नेविगेटर की हेल्प ले सकते हैं अपनी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। ये एक तरीके का छोटा सा GPS नेविगेटर होता है जिसमें की एक छोटी सी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। ये सैटेलाइट की मदद से GPS ट्रैकिंग करता है जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप कहां पर हैं, या फिर इसमें आपको छोटे छोटे और भी एप्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि ये हेल्प मिलती है कि आप अपनी ट्रिप को प्लान कर पाएंगे। वहीं इसमें एक छोटा सा वेदर अलर्ट का भी सिस्टम होता है जिससे कि अगर आसपास मौसम खराब होने वाला होता है तो आपको पहले ही इसमें दिख जाएगा जिससे कि आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के सिस्टम की मदद से बहुत ही आसानी से आप अपनी कैंपिंग ट्रिप को प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरीके की इमरजेंसी होने पर आप अपनी लोकेशंस लोगों से शेयर भी कर सकेंगे। तो ये कमाल की डिवाइस बनाई गई है खासतौर पर ऐसे एक्सप्लोरर्स के लिए जो कि अलग अलग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मोबाइल फोन जैसे सिग्नल होना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 2, एरोगोगो शील्ड एयर मैट्रेस। जो लोग अपनी कार से ट्रिप पर जाते हैं वो अपने साथ एयर मैट्रेस रखना जरूर से पसंद करते हैं, क्योंकि इससे वो जहां चाहें अपनी गाड़ी पर ही एक छोटा सा बेड बना सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तो ऐसी ही मैट्रेस अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि एक तरीके के बिल्ट इन इन्फ्लेटर के साथ आती है। जी दोस्तों, इस मैट्रेस की खास बात ये होती है कि इसके एक साइड पर आपको इन्फ्लेटर्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे जो कि बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, और जैसे ही आप इसकी बटन दबाते हैं तो ये मैट्रेस पूरी की पूरी फूल जाती है और इन्फ्लेटर अंदर की तरफ ही रहता है। इस मैट्रेस को वाटरप्रूफ बनाया गया है जिससे कि पानी वगैरह गिरने पर भी इस पर कोई असर नहीं होगा, और इसके एक हिस्से में आपको पिलो का पैटर्न भी मिल जाता है जिससे कि यहाँ पर ज्यादा हवा होती है और आप उस हिस्से का इस्तेमाल पिलो के तौर पर भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कार के अंदर ही नहीं बल्कि आप अपनी कैंपिंग साइट पर भी कर पाएंगे एक छोटे से मिनी बेड के तौर पर, जहाँ पर आप आराम से बैठकर सो सकते हैं और जरूरत न होने पर आप इसे फिर से डिफ्लेट कर सकते हैं इसी में लगे हुए इन्फ्लेटर की मदद से ही, जिसमें केवल ये 1.5 सेकंड के अंदर ही इसे पूरी तरीके से डिफ्लेट कर देता है और आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा पाएंगे। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि अक्सर अपनी कार से लंबी लंबी ट्रिप्स पर आते हैं तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 1, याकिमा टॉप वाटर। जो फिशिंग रॉड्स होती हैं वो साइज में काफी लंबी होती हैं, जिन्हें कि जनरली आप अपनी कार के अंदर रखकर कहीं भी नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि फिशिंग पसंद करते हैं और फिशिंग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए काफी जरूरी होता है कि वो ऐसी रॉड्स को अपने साथ लेकर कैरी करें। तो इसके लिए खासतौर पर इस तरीके के अटैचमेंट को बनाया गया है जो कि एक बॉक्स जैसा होता है। इसे कार के ऊपरी हिस्से या फिर रूफ रेल में इंस्टॉल कर दिया जाता है जहां पर लंबाई से आप फिशिंग रॉड्स को एक एक करके रख सकते हैं। इस बॉक्स में आपको रॉड्स को रखने के लिए स्लॉट्स दे रखे होते हैं जहां पर आप एक साथ काफी सारी फिशिंग रॉड्स को लेकर कैरी कर पाएंगे। तो अगर आप भी फिशिंग के शौकीन हैं तो इस तरीके की फिशिंग रॉड को आप अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट की सीरीज कैसी लगी है। वहीं इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स देखने के लिए हमें फॉलो करना और YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।